नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आए हैं राजस्थान की 20 बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान में कांग्रेस ने 18 उम्मीदवारों की तीसरी और अंतिम सूची जारी की। गठबंधन दलों की दी 5 सीटें। राजस्थान में 90, मध्य प्रदेश में 105 सीटों पर भाजपा कांग्रेस के सामने अपने ही बने बागी। 46 साल पुरानी परंपरा तोड़ सचिन पायलट टोक से लड़ रहे विधानसभा चुनाव। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। राजस्थान में कांग्रेस 193 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, 7 सीटों पर होगा गठबंधन। राजस्थान में बन रही भगवान शिव की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा तोड़ देगी स्टैचू ऑफ यूनिटी का रिकॉर्ड। बीजेपी ने अपनी राजकुमारी का टिकट काटा, कांग्रेस को पटकनी देने को खेलेगी दाव। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष एवं 35 जिलाध्यक्षों के इस्तीफे। राजस्थान में निर्माणाधीन गुरुद्वारा डहा, मलबे में दबे 6 लोग और 3 लोगों को निकाल दिया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजस्थान में जहां गत चुनाव में कांग्रेस की हो चुकी है जमानत जब्त, वहां सचिन को मिल सकेगी बड़ी जीत। 50% युवा और जाति की होगी जीत का आधार। जोधपुर में भाजपा प्रत्याशी उम्र अनुभव में अधिक, कांग्रेसी उम्मीदवार नए युवा चेहरे। राजस्थान चुनाव में वसुंधरा राजे के सामने मानवेंद्र सिंह की चुनौती। आम आदमी पार्टी ने 2 सीटों पर बदले प्रत्याशी, 10 सूची में 163 प्रत्याशी घोषित। राजस्थान चुनाव 2018 कांग्रेस की दूसरी और बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी। राजस्थान चुनाव रैलियों में हमला कर सकता है आतंकी जाकिर मूसा। कांग्रेस ने मानवेंद्र सिंह को उतारा तो वसुंधरा बोली, मुझे लगा था धर्म या जाति कार्ड खेलेंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लगाए राहुल गांधी पर आरोप, सचिन पायलट मुर्दाबाद के नारे। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष को बहू और कांग्रेस ने निकाला, राहुल के घर पर कर रही थी विरोध प्रदर्शन। राजस्थान इलेक्शन 2018 में भाजपा ने मोदी लहर में हारने वाले को दिया टिकट, आज आएगी अंतिम सूची। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मजबूत गढ़ में भी मुश्किल में बीजेपी। तो ये थी राजस्थान की 20 बड़ी खबरें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को भी जरूर जरूर डाउनलोड करें।